हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे स्किन केयर रूटीन के सबसे फेवरेट वाला एक प्रोडक्ट का रिव्यू। इससे पहले भी मैंने इस प्रोडक्ट का एक रिव्यू शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे सबसे चहीदे लॉरियल पेरिस के तरफ से है। दिस इज लॉरियल पेरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। सबसे पहले तो ये कोई टोनर या फिर सीरम नहीं है, बिल्कुल पानी जैसा टेक्सचर है इसका, एकदम लिक्विडी, क्योंकि इसमें है माइक्रो एसेंस। वैसे साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में बहुत पहले से ही ये प्रोडक्ट फेमस हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो एसेंस की यूजेज ज़्यादा होती है। नॉर्मल जो क्रीम मॉइस्चराइजर या फिर सीरम हम यूज़ करते हैं उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है, तो उस वजह से ना वो हमारे स्किन के मतलब 2 या 3 लेयर्स तक ही पहुँच पाती है। लेकिन इसमें है माइक्रो एसेंस एंड सैलिसिलिक एसिड, और इसकी टेक्सचर एकदम लिक्विडी होने की वजह से ये हमारे स्किन के 10 लेयर्स तक पहुंच जाता है, एकदम घुस जाता है 10 लेयर्स तक, और हमारे स्किन को अच्छी तरीके से रिपेयर कर पाता है। अगर आपकी फाइन लाइंस या फिर रिंकल्स की प्रॉब्लम है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो उसको भी एकदम दूर कर देता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है आपके फेस को। अल्ट्रा लाइट वेट होने की वजह से ये आपके फेस पे बिल्कुल भी हेवी या फिर स्टिकी फील नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई किया है, आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने फेस को पानी पिलाया है। मैं इस प्रोडक्ट को 3 से 4 महीनों से यूज़ किए जा रही हूँ एंड तब से लेके आज तक मैंने अपने फेस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा है। आपने शायद देखा होगा कि मेरे फेस पे एक भी पिंपल नहीं है एंड विदाउट मेकअप ऐसा लगता है कि मैंने अपने फेस पे कोई हाइलाइटर अप्लाई किया है, मतलब इतना ज़्यादा ग्लो करता है अंदर से। तो गाइस, इसे यूज़ करना भी बहुत इजी है, बस अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए एंड अपने हैंड्स को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए, फिर अपने पाम में इस प्रोडक्ट को 3 या 4 ड्रॉप्स लेके उसको ऐसे स्प्रेड कर लेना है ताकि एप्लीकेशन के टाइम आपके फेस में ये स्प्रेड हो सके। इसको डायरेक्टली अपने हाथों से फेस में टैप करना है, याद रखें कि कोई भी कॉटन पैड यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, फिर डैप डैप करके अपने फेस पे अप्लाई कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना है, और लगाने के तुरंत बाद ही आपके फेस पे सोक कर जाएगा। इसको अप्लाई करने के बाद आप इसके ऊपर मेकअप या फिर सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसको अप्लाई करने के बाद आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, बस इसको ही लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसके ऊपर मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो, मेकअप भी कर सकते हो, सनस्क्रीन भी लगा सकते हो। अगर मुझे बाहर जाना होता है तो मैं इसके ऊपर सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। आप इसको किसी भी वेदर में यूज़ कर सकते हो, चाहे वेदर ह्यूमिड हो या फिर ड्राई हो। जब मैंने इसको पहली बार यूज़ किया था तब शायद विंटर का लास्ट वीक चल रहा था, तो तब मेरे फेस में भी ऐसा कुछ भी डिफरेंस मैंने नहीं देखा है कि इसे यूज़ करने के बाद से मेरे फेस एकदम और भी ज़्यादा ड्राई हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने देखा। तो आप इसको कोई भी क्लाइमेट में यूज़ कर सकते हो, चाहे वेदर ह्यूमिड हो या फिर ड्राई हो। अगर आप ड्राई वेदर में यूज़ करते हो तो ये आपके स्किन को एकदम मॉइस्चराइज कर देगा, एंड अगर आप इसको ह्यूमिड वेदर में यूज़ करते हो तो ये आपके स्किन को बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होने देगा। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले थे कि क्या हम इसको अपने फेस में यूज़ कर सकते हैं, क्या ये हमारे स्किन टाइप में सूट करेगा। तो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा जो स्किन टाइप है वो है कॉम्बिनेशन, मतलब जो टी जोन एरिया है वो है ऑयली एंड बाकी का जो पार्ट है वो है नॉर्मल या फिर कभी कभी ड्राई भी हो जाता है, वो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस, इसे आप किसी भी वेदर में यूज़ कर सकते हो, किसी भी स्किन टाइप में, मतलब अगर आपके ऑयली स्किन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी स्टिकी और हेवी फील नहीं होगा, और ड्राई वेदर में यूज़ करते हो तो ये आपके स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर देगा। तो मेरे स्किन केयर रूटीन में तो ये एकदम परमानेंट जगह बना ही लिया है, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकती। मैं दिन में 2 बार इसको यूज़ करती हूँ, एक सुबह के टाइम और एक रात के टाइम। वैसे इसके और भी 2 साइजेस अवेलेबल है मार्केट में, आई थिंक कि एक 65 ml और 22 ml आई गेस, या एंड मेरे पास जो है वो है 130 ml। इसका प्राइस है 1299। तो इसकी जो छोटी वाली बॉटल आती है ना गाइस 22 ml का, पहले आप उसको यूज़ करके देखिए, अगर आपको कोई भी फ़र्क नज़र आए आपकी स्किन पे तो डेफिनेटली आप इस बड़े वाले बॉटल को भी परचेस कर सकते हो। परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लेना अगर आपको लेना है। तो आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।